दोस्तों कहा जाता है कि पैसा अच्छे अच्छों को बदल देता है, क्योंकि पैसे में एक ऐसा नशा होता है जिससे बचना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि जब किसी इंसान को नाम, दौलत, शोहरत या कामयाबी मिलती है तो उसके अंदर एक अलग सा घमंड आ जाता है और वो अपनी इस कामयाबी का दिखावा करने लगता है। अब यूं तो दुनिया में शो ऑफ करने वालों की कोई कमी नहीं है और आपको अपने चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहे कितने ही अमीर या कितने ही बड़े इंसान क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी अपनी दौलत या कामयाबी का दिखावा नहीं करते। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं लोगों के बारे में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर वन, नाना पाटेकर। दोस्तों शायद कोई ऐसा इंसान होगा जो नाना पाटेकर को नहीं जानता होगा, जिनके एक्टिंग की पूरी दुनिया दीवानी है। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नाना पाटेकर बाकी सेलिब्रिटी की तरह बिल्कुल शो ऑफ नहीं करते। अगर वो चाहे तो एक बड़े से आलीशान घर में रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए एकदम साधारण लाइफस्टाइल चुनी है जिसमें वो अपनी माँ के साथ 1 BHK अपार्टमेंट में रहते हैं। आज के समय में हर नए स्टार को आप लग्जरी गाड़ी में घूमते देख सकते हैं, लेकिन नाना पाटेकर आज भी अपनी दशकों पुरानी महिंद्रा की जीप चलाते हैं। ये अपने लिए ऐशो आराम की चीजें ना खरीद कर अपने पैसों को गरीबों की मदद करने में खर्च करते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने भारत के कुछ गांव की देखभाल की जिम्मेदारी ली है। जो गांव ज्यादा सूखे रहते हैं और लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, और उनके लिए नाना पाटेकर द्वारा बनाई गई संस्था मदद करती है। नंबर दो, सर रतन टाटा। भारत के सबसे दयालु शख्सियत की बात की जाए तो उनमें सर रतन टाटा का नाम हमेशा लिया जाएगा, क्योंकि जहां सभी बिजनेसमैन खुद के लिए प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचते हैं, वहीं रतन टाटा जी की सोच इस मामले में बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनकी कंपनी के 66% शेयर रतन टाटा सर के पास हैं, जिसमें 65% शेयर तो वो ट्रस्ट को डोनेट कर देते हैं जो जरूरतमंदों की मदद में लगा देते हैं। यानी कि जितना रतन टाटा जी की कंपनी को फायदा होगा उतना ही लोगों की भी मदद होगी। अगर रतन टाटा जी दान नहीं करते तो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते, लेकिन उन्होंने अपने लिए ऐशो आराम नहीं देखा। और आज भी कोई भारत में त्रासदी आती है तो सबसे पहले सर रतन टाटा ही मदद के लिए सामने आते हैं। All of us should be keen to unleash the Indian tiger. We haven't done that as yet. So let's all put our hearts and souls behind the fact that this is going to be the new India of tomorrow. And what we're seeing in this building is just the start, just the nucleus of what could be the new big, big thing in the country. Number 3, superstar Rajnikant. Rajnikant आज भी humble और एकदम simple रहना पसंद करते हैं। रजनीकांत उर्फ शिवाजी गायकवाड़ ने फिल्मी दुनिया में कदम रखने के लिए बहुत struggle किया है। फिल्मों में आने से पहले ये कुली और बस कंडक्टर भी रह चुके हैं, जिसकी वजह से आज भी अपनी प्रसिद्धि पर घमंड नहीं है और अपना अधिकतर पैसा गरीबों की मदद में इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, अगर इनकी फिल्म फ्लॉप भी हो जाती है तो प्रोड्यूसर को पैसे अपनी जेब से देते हैं। नंबर 4, अरिजीत सिंह। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। अपनी आवाज से सबके दिलों पर राज करने वाले मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह को कौन नहीं जानता होगा। उनके करोड़ों फैंस होने के बावजूद वे कभी भी दिखावा नहीं करते, जबकि वो बॉलीवुड में आज भी वन ऑफ द बेस्ट सिंगर में से एक हैं। एक बार तो वो बॉलीवुड के अवार्ड फंक्शन में चप्पल पहन कर आए थे, जबकि बाकी के सेलिब्रिटीज पूरी तरह से सज धज कर आए थे। गरीबी से इस सक्सेस तक उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अरिजीत सिंह आज भी काफी सादे कपड़े पहनते हैं और कई बार उन्हें अपने स्कूटर पर ही घूमते देखा गया है। कोई अरबपति होने के बाद शायद ही ऐसा साधारण जीवन जिएगा, और वैसे भी अरिजीत को दिखावे की जरूरत क्या है जो पहले ही सबका दिल जीत चुका हो। नंबर 5, APJ अब्दुल कलाम।
हर भारतीय के दिल में सम्मान और जगह बनाने वाले हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को एक महान वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति के तौर पर जाना जाता है, जिन्हें पूरी दुनिया मिसाइल मैन के नाम से भी जानती है, क्योंकि भारत के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसकी वजह से ही भारत एक ताकतवर देश बन पाया है। 40 साल इसरो में काम करने के बाद वो राष्ट्रपति बने, जिसमें उन्होंने खुद को मिलने वाली सारी तनख्वाह गरीबों में दान कर दी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा परेशानियाँ झेली थी, जिसका उन्हें काफी एहसास था। नंबर 6, मिस्टर नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति भारत के जाने माने बिजनेसमैन हैं। ये इंडिया के वन ऑफ द फेमस आईटी कंपनी इंफोसिस के फाउंडर हैं और उन्हें फादर ऑफ आईटी सेक्टर भी कहा जाता है। लेकिन इनकी और इनकी पत्नी की सिंपलिसिटी देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ये हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करते आए हैं और आम लोगों की तरह साधारण जिंदगी जीते हैं। नंबर 7, अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं और विप्रो के अध्यक्ष हैं। ये प्रतिदिन 27 करोड़ रुपए दान करते हैं और तो और खुद भी एयरपोर्ट से जब भी जाते हैं तो रिक्शा में जाते हैं। इतने अमीर होने के बावजूद इन्होंने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। नंबर 8, बिल गेट्स। बिल गेट्स के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं। एक समय कई दशकों तक दुनिया के सबसे अमीर इंसान रहे थे, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल भी दिखावा नहीं करते। इन्होंने अपने ज्यादातर पैसे गरीबों और जरूरतमंदों को डोनेट कर दिए हैं। इन्होंने अब तक के 3,50,00,000 रुपए दान किए हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि इंडिया में आकर भी यहाँ के गरीबों की मदद की है। तो दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।